जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सेल्फी जायंट की स्टोरी में कि उसके गार्डन में हर जगह छोड़कर उसके गार्डन में अभी तक स्प्रिंग का सीजन नहीं आया था। तो एक दिन उसे स्प्रिंग सीजन जैसा कुछ फील हुआ, तो उसने क्या देखा, वो अपने बेड से उतरता है और कुछ देखता है। तो चलिए देखते हैं उसे क्या दिखाई दिया। ही सॉ द मोस्ट वंडरफुल साइट, उसने बहुत ही सुंदर, सबसे ज़्यादा सुंदर नज़ारा देखा। थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रिप्ट, एक वॉल जो उसने गार्डन के चारों ओर बना दी थी उसमें एक छोटा सा होल करके बच्चे जितने भी वहाँ खेलने आते थे वो उसमें रेंग रेंग कर खिसक खिसक कर अंदर आ रहे थे। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और वो ट्री की ब्रांचेस पे बैठे हुए थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड, हर एक ट्री के ब्रांचेस में वो देख सकता था कि वो वहाँ पे एक छोटे छोटे बच्चे सभी ट्री में बैठे हुए हैं। एंड द ट्री वॉज सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, और जो वहाँ पे पेड़ थे वो भी काफ़ी खुश थे बच्चों को वापस पाके। दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम, और उन्होंने अपने आप को फूलों से ढक लिया था। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड, और अपने आर्म्स को बच्चों के सिर के ऊपर बिल्कुल आराम से हिला रहे थे। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट ट्विटरिंग विद डिलाइट, और जो चिड़िया थी पक्षी थे वो क्या कर रहे थे, उड़ रहे थे और साथ में खुशी के साथ गीत गा रहे थे। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रासेस एंड लाफिंग, और जो वहाँ पे फूल थे वो ग्रीन ग्रासेस के बीच से निकल के बच्चों को देख रहे थे और हंस रहे थे। इट वॉज अ लवली सीन, बहुत ही प्यारा सीन था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, एक कॉर्नर में लेकिन अभी भी क्या था, विंटर का सीजन था। क्यों था? इट वॉज द फर्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, ये गार्डन का सबसे कोना वाला हिस्सा था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था। ही वॉज सो स्मॉल, वो बहुत ही छोटा था। दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, वो इतना छोटा था कि वो ट्री की ब्रांचेस तक नहीं पहुँच पा रहा था। एंड ही वॉज वंडरिंग ऑल अराउंड इट, और उसी की पेड़ के आस पास वो क्या कर रहा था, घूम रहा था। क्राइंग बिटरली, और बहुत ही बुरी तरह से फूट फूट कर वो क्या कर रहा था, रो रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल क्वाइट कवर्ड विथ फ्रोस्ट एंड स्नो, एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबव इट, तो वो जो बचा हुआ पेड़ था बेचारा, जो पेड़ बचा था, बाकी सब में तो फूल खिल गए थे, बसंत का सीजन आ गया था, लेकिन उस ट्री में अभी भी बसंत का सीजन नहीं आया था। उसके ऊपर अभी भी बर्फ सबसे पूरा पेड़ ढका हुआ था, और वह उस प्लेस पे अभी भी जो उत्तर से बड़ी तेज तेज जो हवाएं आ रही थी गड़गड़ाहट वाली, वो अभी भी चल रही थी। तो आगे क्या हुआ, क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, तो पेड़ ने कहा बच्चे को, बच्चे चढ़ जाओ। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, तो जो ट्री थी उसने अपने ब्रांचेस को इतना नीचे कर लिया जितना छोटा वो बच्चा था। बट द बॉय वॉज टू टाइनी, लेकिन जो बच्चा था वो बहुत ही छोटा था। सो एंड द जाइंट हर्ट मेल्टेड एज ही लुकड आउट, तो जाइंट का जो हार्ट था वो मेल्ट हो गया, उसके हृदय पिघल गया उस बच्चे को देखकर कि कैसे हर जगह बच्चों के आने से ब्रांचेस में फूल खिलने लगे, बसंत का मौसम आ गया, लेकिन अभी भी वहाँ पे नहीं आया है। क्यों नहीं आ रहा था अभी तक, इन बच्चों की वजह से नहीं आ रहा था। तो आगे उसने क्या कहा, हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना सेल्फिश था, उसने कहा। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर, अब मैंने जाना कि यहाँ पे स्प्रिंग क्यों नहीं आ रही थी। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मैं इस छोटे से बच्चे को, बेचारे बच्चे को सबसे ऊपर, बिल्कुल ट्री के सबसे ऊंचे तक लेकर जाऊंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और उसके बाद मैं इस जो भी वॉल मैंने बनाई है गार्डन के चारों तरफ उसे गिरा दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और मेरा गार्डन हमेशा से बच्चों के खेलने का प्ले ग्राउंड हो जाएगा। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स एंड द फ्रंट डोर सॉफ्टली,
सो ही क्रैप डाउन स्टेयर एंड ओपन द फ्रंट डोर सॉफ्टली। तो उसने धीरे से नीचे गया और फ्रंट डोर को बड़े ही सॉफ्टली उसे ओपन कर दिया एंड वेंट आउट टू द गार्डन और फिर गार्डन में गया। बट वेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटेंड दैट दे ऑल रैन अवे। बट जब बच्चों ने देखा उसे तो पहले से बच्चे उससे डरे हुए थे, तो जब उसे देखे तो काफ़ी भयभीत हो गए, काफ़ी डर गए, तो वे सारे बच्चे क्या हो गए, दौड़ के बाहर चले गए। एंड द गार्डन बिकम विंटर अगेन। जब वो बच्चे सारे चले गए तो पूरा गार्डन फिर से विंटर में कन्वर्ट हो गया। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन। वही जो छोटा बच्चा कॉर्नर में खड़ा था वो अभी दौड़ नहीं पाया था। फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जाइंट। क्यों नहीं दौड़ा था उस, वो भी तो आखिर डरता था ना जाइंट से, बट इसलिए नहीं दौड़ा था कि उसकी आँखें बहुत दुखी था वो, है ना, पेड़ पे नहीं चढ़ पा रहा था तो वो काफ़ी दुखी था, उसकी आंखों में बिल्कुल आंसू भरे हुए थे, फुल ऑफ टीयर्स थे, जिस वजह से उसने जाइंट को नहीं देख पाया था, इस वजह से वो नहीं भागा। एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड हिम और जाइंट उसके पीछे आगे खड़ा हो गया एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड और उसको अपने हाथ में उठाया एंड पुट हिम अप ऑन द ट्री और उसे पेड़ पर बैठा दिया। द ट्री ब्रोक एट वंस इन टू ब्लॉसम। वो ट्री जो विंटर था, जहाँ पे पूरे बर्फ से ढका हुआ था, एक साथ ही वो सारे के सारे विंटर जितने भी बर्फ वगैरह थी पूरी गिर गई और एक बार में ही वहाँ पे फूल खिल गए। एंड द बर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट और वहाँ पे भी पक्षी आए और गाना गा रहे थे। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लैंग देम अराउंड द जाइंट्स नेक। और वो जो छोटा सा बच्चा था उसने अपने दोनों आर्म्स को जाइंट के नेक गर्दन पे पकड़ के स्ट्रेच किया एंड किस्ड हिम और उसे किस किया। व्हेन द अदर चिल्ड्रन सॉ द जाइंट वॉज नॉट बिग एनी लॉन्गर। जब उन्होंने बच्चों ने देखा, जो भी अदर बच्चे जो बाहर चले गए थे, जब उन्होंने देखा कि जाइंट अब तो इतना बेकार नहीं है, तो क्या हुआ, वे बच्चे क्या हो गए, दे केम रनिंग बैक एंड विथ देम केम स्प्रिंग। वो बच्चे सभी के सभी दौड़ के वापस आ गए और उनके साथ आते ही जैसे ही वो विंटर चली गई थी, फिर से स्प्रिंग का सीजन आ गया और विंटर का सीजन चला गया। सो इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जाइंट। तो जाइंट ने क्या कहा कि अब से छोटे बच्चों ये आपका गार्डन है। एंड ही टुक अ बिग एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल। फिर उसने एक बड़ी सी कुल्हाड़ी ली और उस वॉल को गिरा डाला। ओके, व्हेन द पीपल वर गोइंग टू द मार्केट एट 12 o'clock, जब लोग वहाँ से गुजर रहे थे, मार्केट जाते थे 12 बजे, तो वो क्या देखते थे, दे फाउंड द जाइंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन। तो उन्होंने क्या देखा कि जो वो राक्षस था, वो बहुत बड़ा जो राक्षस था, जो पहले सेल्फिश था, वो अब बच्चों के साथ खेला करता था और जाइंट का गार्डन तो वैसे भी बहुत सुंदर था। उन्होंने पहली बार कभी भी लाइफ में पहली बार जो गार्डन देखा तो बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन था, साथ में उन बच्चों के खेलने से वो गार्डन और भी ब्यूटीफुल। तो यहीं से हमारी स्टोरी फिनिश होती है। इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिला, क्या सीख मिली? हमें इस स्टोरी से सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो भी चीज़ें हैं हमें एक दूसरे से शेयर करना चाहिए, जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जिससे दूसरों की भी मदद हो सके और उनको भी अच्छा लगे, और अगर हम किसी की मदद करेंगे तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर नाउ।